क्वेश्चन है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा। एक क्वेश्चन जेईई 2010 में आया था। तो बहुत बच्चे इसको मैक्सिमम मिनिमम का प्रॉब्लम समझते थे, लेकिन वैसा है नहीं। ये इसको हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका सलूशन कुछ इस प्रकार होगा। हमने इस टर्म को एफ फंक्शन इन थीटा पकड़ लिया, लेट एफ थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा थ्री साइन थीटा कॉस थीटा प्लस फाइव कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमारा द गिवन एक्सप्रेशन इक्वल टू 1 बाई फंक्शन इन थीटा होगा। अच्छा, अब हम एफ थीटा फंक्शन इन थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ए फाइव कॉस स्क्वायर थीटा का एक कॉस स्क्वायर थीटा यहां ले लिया, प्लस थ्री है इसे थ्री बाई टू इंटू टू साइन थीटा कॉस थीटा कर दिया। ये जो फाइव कॉस स्क्वायर थीटा का एक कॉस स्क्वायर थीटा यहां ले लिया था, तो हमारा बचा कितना, 4 cos स्क्वायर थीटा। इसको हम 2 cos स्क्वायर थीटा कर सकते हैं। तो 2 cos स्क्वायर थीटा को हम 2 इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा को 1 प्लस cos 2 थीटा कर सकते हैं। तो अब देखिए क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मीन्स 1 प्लस 3 बाई 2, 2 साइन थीटा कॉस थीटा मीन्स साइन 2 थीटा, प्लस 2 इंटू 1 2, प्लस 2 कॉस 2 थीटा। तो ए टर्म हो गया 1 प्लस 2 3 प्लस 3 बाई 2 साइन 2 थीटा, प्लस इसको हम 4 बाई 2 कॉस 2 थीटा कर सकते हैं। तो ऐसा करने पर हमें क्या मिला, 3 प्लस 1 बाई 2 दोनों में कॉमन, 3 साइन 2 थीटा प्लस 4 कॉस 2 थीटा। हम एक टर्म जानते हैं कि
minus a square plus b square under root is less than equal to a sin theta plus b cos theta and is less than equal to a square plus b square under root. ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी में पढ़ा था, है ना? तो इस टर्म पर थोड़ा ध्यान दें, थीटा के लिए 2 थीटा है और कॉस थीटा के लिए 2 थीटा है, 3, ए के लिए 3 है और बी के लिए 4 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का अंडर रूट, यानी 9 प्लस 16, 25, 25 का अंडर रूट 5 होगा, है ना? तो हम इस प्रकार देख सकते हैं कि माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर का अंडर रूट मीन्स माइनस 5 इज लेस देन इक्वल टू 3 साइन 2 थीटा प्लस 4 कॉस 2 थीटा एंड इज लेस देन इक्वल टू 5. ए टर्म यहां पर हाफ का मल्टीप्लाई है, तो हाफ का मल्टीप्लाई करेंगे इंप्लाइज माइनस 5 बाई 2 इज लेस देन इक्वल टू 1 बाई 2 3 साइन 2 थीटा प्लस 4 कॉस 2 थीटा इक्वल टू 5 बाई 2. तो ये हो गया हाफ इसका, यहाँ 3 है तो दोनों तरफ 3 ऐड करेंगे. इसमें अगर हम 3 ऐड करते हैं तो यहाँ भी 3 ऐड करना पड़, यहाँ भी 3 ऐड करते हैं, यहाँ भी 3 ऐड करना पड़ेगा. तब यहाँ पर 3 ऐड करने पर हमें मिलेगा माइनस 5 बाई 2 प्लस 3 मीन्स 1 बाई 2 इज लेस देन इक्वल टू 3 प्लस 1 बाई 2 3 साइन 2 थीटा प्लस 4 कॉस 2 थीटा इज लेस देन इक्वल टू 3 टू जा 6 प्लस 5 11 बाई 2 implies 1 by 2 is less than equal to a 3 plus half 3 sin 2 sin 2 theta plus 4 cos theta 3 plus half a term किसके बराबर है? a term बराबर है, a term बराबर है f theta के. तो f theta इलेवन बाई टू. लेकिन हमारा जो एक्सप्रेशन है वो क्या था? 1 बाई एफ था. तो जब हम इसको इसका रिसिप्रोकल करेंगे तो हमारा ये जो इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, इंप्लाइज 2 by 11 is less than equal to 1 by f theta and is less than equal to 2. इस प्रकार 1 by f 0 means expression का minimum value 2 by 11 और maximum value 2 है. Therefore maximum value हो गया मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू 2 होगा.
of expression और expression ही expression 2 होगा, यही हमारा answer होगा।